इटावा से खबर है, वंदे भारत ट्रेन के इंजन में खराबी आई, तकनीकी खराबी आई जिसमें भरतना रेलवे स्टेशन के पास रोकी गई है वंदे भारत। करीब एक घंटे से खड़ी है ट्रेन, मौके पर पहुंचे हैं अधिकारी। दिल्ली से कानपुर जाने वाला रूट फिलहाल बाधित है, पीछे से आ रही शताब्दी ट्रेन को इटावा रेलवे स्टेशन पर रोका गया है। अनु चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। अनु, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है, अभी भी रुकी है ट्रेन? बिल्कुल, पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि भरतना रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत जो कि है दिल्ली से कानपुर की तरफ जा रही थी, जिसमें इंजन में तकनीकी कमी आने के चलते ट्रेन को रोका गया। पिछले एक घंटे से अधिक का समय हो गया ट्रेन को रोका गया है। आला अधिकारी मौके पर पहुंच कर जो इंजन में कमी है इसको दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, जिसके चलते बताया जा रहा है कि एक वंदे भारत और एक शताब्दी ट्रेन समेत कई ट्रेनों को पीछे स्टेशन पर रोका गया है, जिससे कि अभी कोई भी ट्रेन नहीं जा पा रही, क्योंकि मामला मेन लाइन का है, इसलिए ट्रेन को रूट जो है पूरी तरह से अभी बाधित दिखाया जा रहा है। उसके पूरे मामले को लेकर रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया अनु ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल अभी ट्रेन में जो तकनीकी खराबी आई है वो अभी उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से वंदे भारत ट्रेन अभी रुकी हुई है और पूरा रूट अभी बाधित है। उसकी वजह से जो शताब्दी ट्रेन है उसे भी डायवर्ट किया गया है। तो भरतना रेलवे स्टेशन के पास ये दिक्कत आई है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से करीब एक घंटे से ये ट्रेन रुकी हुई है। मौके पर अधिकारी भी मौजूद है। तकनीकी खराबी बताई जा रही है, भरतना रेलवे स्टेशन के पास रोकी गई है ट्रेन, करीब एक घंटे से ट्रेन खड़ी है और दिल्ली से कानपुर जाने वाला रूट फिलहाल बाधित है।